दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। पार्टियां रणनीति बना रही हैं, इंटरनल रणनीति बन रही है कि चुनाव के लिए कौन से कैंडिडेट को सामने लाया जाए। जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि बहुत नज़दीक हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ चाहती है कि इस सीट को जीत कर, यानी कि राज्यसभा की दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई है, इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ ऐसी है कि मतदाताओं के बीच में भी और विपक्षी दलों के बीच में भी एक मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति बना दी जाए कि राज्यसभा की सीट ये भाजपा जीत ले। वहीं कांग्रेस के लिए जो समस्या है, कांग्रेस चाहती है कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये सीट दीपेंद्र हुड्डा की थी, कांग्रेस की सीट थी ये, राज्यसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर केवल एकमात्र प्रतिनिधि थे हरियाणा के, और कांग्रेस चाहती है कि किसी प्रकार से इस सीट को जीत ले। और इस सीट को जीतने के लिए, यानी कि राज्यसभा सदस्य जो पांचवीं सीट हरियाणा की खाली है उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरे रणनीति बनाएगी, पूरे पैर पैतरे जमाएगी। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए, यानी कि राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए कोई खेला करने के मूड में है। मैं आपको बताऊं तो हरियाणा के अंदर राज्यसभा सदस्य के पिछले चुनावों को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्तिकेय शर्मा को जननायक जनता पार्टी के समर्थन से मैदान में उतरवाया और चुनाव जिता लिया। इससे पहले अगर आप देखें तो जीटीवी वाले सुभाष चंद्रा को चुनाव जितवा लिया रणनीति के तहत, आर के आनंद उस समय देखते रह गए। इससे पहले देखें तो अजय माकन चुनाव हार गए कार्तिकेय शर्मा के सामने, जबकि जो मैथमेटिक्स था वोटों का, विधायकों वाला, वो फेवर में था कांग्रेस के। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी कई बार करती रही है। आज मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि हालांकि अगर सदस्यता के लिहाज से और संख्या बल के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, विपक्ष से आगे है, ये सीट आराम से जीत सकती है। लेकिन क्योंकि जो बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, वो हमेशा एक बात सोचते हैं कि कहीं भी कोई इफ एंड बट ना रह जाए, कहीं कोई किंतु परंतु ना रहे, और यहाँ तो स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव अगले 120 दिन के अंदर अंदर हो जाना है। अगले 4 महीने में हरियाणा विधानसभा के लिए हरियाणा की जनता अपने पसंद का विधायक चुनने का वोट कर लेगी, आप ये मानकर चलें, क्योंकि जो समय के हिसाब से जो निर्धारित समय सीमा है वो 120 दिन के अंदर पूरी हो रही है। इस लिहाज से प्रेशर बनाने के लिए, मानसिक दबाव में रखने के लिए सामने वाली पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेला कर सकती है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि दो ऐसे नेता हैं जिनको कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था लोकसभा का, जिनका टिकट कट गया था और वो बड़े बेआबरू होकर पार्टी के अंदर रहे। उनकी स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो कूचे में तो रहे, कूचा तो नहीं छोड़ा, कांग्रेस में तो आज भी हैं, लेकिन स्थिति उनकी बड़ी हास्यास्पद रही है। आप इतना इससे समझ सकते हैं कि कल किरण चौधरी का एक स्टेटमेंट आ रहा था, तो शाम की विधायक हैं, बड़ी नेता हैं, श्रुति चौधरी उनकी बेटी हैं, सांसद रही थी एक बार, पिछले 2 चुनाव हार गई लगातार, श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला था, और किरण चौधरी का बयान आ रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य उनको बेहतर नहीं दिखाई देता, किरण चौधरी कह रही थी, और किरण चौधरी ये भी कह रही थी कि कांग्रेस में उनको अपना भविष्य भी बेहतर दिखाई नहीं देता। इस चुनाव के अंदर जो स्थिति बनी थी किरण चौधरी की, उनके कई बार बीच बीच में स्टेटमेंट्स आते थे कि भाई उनको पूछा नहीं जा रहा, वो कई बार की विधायक हैं, उनकी बेटी सांसद रही है, राव दान सिंह के जो कार्यक्रम है उनसे पूछा नहीं जा रहा, और खैर अंतोगत्वा हुआ ये कि तोशाम विधानसभा, जहां से लगातार 5 बार से किरण चौधरी विधायक बनी आ रही है, उस विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो जाट बाहुल्य सीट है, राव दान सिंह तोशाम से चुनाव हार गए थे। अब चर्चाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ला करके और उनको राज्यसभा का कैंडिडेट बना सकती है, ऐसा हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो ये है कि भिवानी और चरखी दादरी जिले, जहां चौधरी बंसीलाल का असर है और चौधरी बंसीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले परिवार को अपने साथ मिला लिया जाए, एक सोच तो ये हो सकती है, और दूसरी सोच ये बन सकती है कि श्रुति चौधरी की माँ किरण चौधरी विधायक हैं,
इस लिहाज से जब बेटी को टिकट मिल जाएगा, बेटी राज्यसभा की कैंडिडेट होगी, तो फिर माँ तो वोट करेगी करेगी और इसके साथ साथ एक आध वोट का जुगाड़ और भी कर लेंगी। इस लिहाज से माने तो फिर श्रुति चौधरी के तौर पर एक जाट नेता पार्टी को मिल सकता है, यानी कि फिर किरण चौधरी आ जाएंगी। एक चौधरी बंसीलाल के परिवार के नाम पर जो सियासत है वो सियासत भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ सकती है। और तीसरा, बड़े आसानी से जुगाड़ बन सकता है कैंडिडेट को जिताने का जिसमें कोई दिक्कत ना रहे। ये तो है श्रुति चौधरी को लाने के पीछे का जो समीकरण है, जिसके पीछे लोग चर्चाएं करते हैं, खासकर पॉलिटिकल जो एराज हैं उनके अंदर इस प्रकार की चर्चा है कि ये हो सकता है। और दूसरे नेता जिनको कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लाने का कोई ताना बाना अंदर अंदर शायद बुना जा रहा है, वो नेता है कैप्टन अजय यादव। रेवाड़ी से 6 बार विधायक रहे हैं कैप्टन अजय यादव, धरती के जुड़े हुए खाटी नेता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था 2019 में, वो लगभग 3.5 लाख वोट से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में भी वो कैंडिडेट थे। राज बब्बर को जब टिकट मिला तो उन्होंने कहा था कि फिल्म स्टारों से बात नहीं बनेगी और तरह तरह के बयान दिए थे, नाराज भी रहे थे, राजी भी रहे थे। कई बार ये कहा था कि कांग्रेस में मन घुटता है, कई बार ये कहा था कि कांग्रेस में अब उज्ज्वल भविष्य नहीं दिखाई देता, ये तमाम प्रकार की बातें थी। कैप्टन अजय यादव जो हैं वो कांग्रेस के अंदर उनकी गहरी पैठ है, भले टिकट नहीं मिली उनको लेकिन उनकी पूरी पकड़ जरूर है। चाहे वो गांधी परिवार के अंदर हो, चाहे वो कांग्रेस आला कमान में हो, चाहे वो कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों में हो और चाहे कांग्रेस के समर्थक दलों में हो। समर्थक दलों में इसलिए कि लालू प्रसाद यादव कैप्टन अजय यादव के समधी हैं। भले ही लालू प्रसाद यादव टिकट ना दिलवा पाए हों या कैप्टन अजय यादव के लिए ज़्यादा जोर ना लगाया हो, लेकिन ये जरूर है कि उनका रिश्ता बड़ा नज़दीक का है। कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं चिरंजीव राव और चिरंजीव राव दामाद हैं लालू प्रसाद यादव के। अगला अगर रिश्ता आप जोड़ें जो रिश्ते में रिश्ते जुड़े हुए हैं तो लालू प्रसाद यादव की रिश्तेदारी है अखिलेश यादव के साथ भी। जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं वहाँ पर भी लालू प्रसाद जी की एक बेटी है। तो इस लिहाज से ये रिश्ते बहुत नज़दीक के हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुफीद ये बन सकती है। कैप्टन अजय यादव के साथ में अगर देखें तो उनके साथ कई बातें जुड़ी हुई हैं। एक, वो रिटायर्ड कैप्टन हो गए, वो वाला ओहरा उनका साथ जुड़ जाता है। दूसरा, वो ओबीसी समाज से हैं, यदुवंशी हैं, यादव नेता हैं और दक्षिण हरियाणा के अंदर इंद्रजीत पहले से कांग्रेस के पास हैं। कैप्टन अजय यादव को अगर कहीं जोड़ लिया, राव नरवीर पहले से हैं, तो फिर कोई नेता भी नहीं बचेगा जो कांग्रेस का झंडा उठाने वाला वहाँ ढंग से हो। तीसरी बात, कैप्टन अजय यादव का बेटा विधायक है चिरंजीव राव, और वही जो मैं आपसे बता रहा था, अगर कोई किरण चौधरी एक आध विधायक का जुगाड़ और कर सकती हैं तो फिर चिरंजीव राव और कैप्टन अजय यादव भी जुगाड़ कर सकते हैं। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये भी बन सकती है कि कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस से ला करके और बीजेपी से राज्यसभा का बतौर मेंबर उनको कैंडिडेट बना दिया जाए। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार की रणनीतियों पर भारतीय जनता पार्टी का काम आगे चल रहा होगा। और इसके साथ ये बात भी जरूर है कि रणनीति तो भाजपा कांग्रेस भी बना रही है, रणनीति तो कांग्रेस भी जरूर बना रही होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस राज्यसभा चुनाव के लिए, जिसमें कि उनके बेटे उनकी जिद की वजह से हुड्डा परिवार को टिकट मिला, हुड्डा परिवार में दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिला और वो राज्यसभा की सीट खाली हो गई। भले ही एक लोकसभा का फायदा हुआ, 5 सीटें मिली, उसके अंदर हुड्डा साहब का प्रभाव था, शैलजा जी का प्रभाव था, कांग्रेस आला कमान का था, इंडिया गठबंधन का था, जो भी आप मान लें, लेकिन एक सीट का जो नुकसान होता है राज्यसभा के अंदर, जो वैसे भी वहां पर नफरी चाहिए, उस लिहाज से कांग्रेस पर भी पूरा प्रेशर होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी पूरा प्रेशर होगा। और आज तो आप मान लें कि कांग्रेस के अंदर, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, वो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस, क्योंकि पूरा संगठन, प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से हुड्डा साहब के साथ हैं। खैर, इस वीडियो में बात वही अंत वहीं करेंगे कि इस राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन सी रणनीति बनाएगी और उसके काउंटर पर कांग्रेस क्या योजना बनाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में लाकर कैंडिडेट बनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि कैप्टन अजय यादव पर भी कहीं भाजपा के रणनीतिकार नज़र रखे होंगे? और आपको क्या लगता है कि
कि क्या इस सीट को कांग्रेस आसानी से भारतीय जनता पार्टी के पास जाने देगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।